कॉलम के लिए सरिया को कितनी लेंथ में कटवाना है, आज इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये जो BBS होगा इसमें कोई भी लैप नहीं होगा। अगली वीडियो में लैप की जाने वाली सरिया की लेंथ भी निकालेंगे। बिना किसी लैप की सरिया की कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। पार्ट ऑफ बार इन फुटिंग प्लस करेंगे हाइट ऑफ पेडिस्टल कॉलम प्लस करेंगे प्लिंथ बीम प्लस करेंगे हाइट ऑफ ग्राउंड फ्लोर प्लस करेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब बीम एंड स्लैब प्लस करेंगे हाइट ऑफ पैरापिट वॉल और माइनस करेंगे बैंड डिडक्शन। जितनी भी सरिया हमारी फुटिंग के अंदर लगी हुई है उसकी हम लेंथ निकालेंगे। उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें आप इस कॉलम को देख पा रहे हैं, यह है रेड बोल्ट की मैनुअल स्टीरअप मेकिंग मशीन। आप इससे बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा स्टीरअप बना सकते हैं और इससे आप कुछ इस प्रकार से हॉल फास्टनर भी बना सकते हैं पत्ती को मोड़ करके। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस कॉलम में कॉलम की जो सरिया है वह ए से लेकर के बी तक की जो लेंथ होगी वो हमारी 300 mm होगी, या फिर आपकी ड्राइंग में जो मेंशन किया है आप उसकी लेंथ यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इस ड्राइंग में कोई भी लेंथ मेंशन नहीं की है तो हम कम से कम 300 mm की यहाँ पर लेंथ लेंगे। फुटिंग के अंदर जितनी भी हाइट है सरिया की उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें फुटिंग की जो डेप्थ है जो कि यहाँ पर 300 mm दी हुई है उसमें से हमें माइनस करना होगा कवर ब्लॉक जो कि हमारा 50 mm दिया होता है, और माइनस करेंगे फुटिंग मैश जो कि यहाँ पर आप यू शेप में ये जो बार देख पा रहे हैं इसका जो डाया है वो 12 mm है, इसे हम माइनस करेंगे। और जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका भी हम 12 mm माइनस करेंगे, जिससे हमारी फुटिंग के अंदर जितनी भी लेंथ होगी वो हमारी निकल आएगी। अब इसमें हम प्लस करेंगे पेडेस्टल कॉलम की हाइट जो कि 1700 mm है, और प्लस करेंगे 300 mm जो कि हमारी प्लिंथ बीम की थिकनेस है, और यहाँ पर हम ग्राउंड फ्लोर की हाइट को प्लस करेंगे 3000 mm यानी कि 3 मीटर। स्लैब बीम एंड स्लैब की जो थिकनेस है वो यहाँ पर 300 mm दी हुई है, और जो पैरापिट वॉल के लिए हम हाइट ले रहे हैं वो यहाँ पर 500 mm दिया हुआ है। इन सबको हम प्लस करेंगे, और इस सरिया में एक बैंड दिया हुआ है जो कि फुटिंग के अंदर है जिसका हम माइनस करेंगे बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन करने के लिए हमें 90 डिग्री बैंड के लिए 2D माइनस करना होता है 2 × डाई ऑफ बार। डाई ऑफ बार है वो हमारी 12 mm है, जिससे हमारा 300 mm हमने लेंथ लिया ए से बी तक की लेंथ का, और प्लस करेंगे इसमें कोष्ठक ओपन करेंगे फुटिंग की थिकनेस 300 mm माइनस करेंगे 50 mm का कवर माइनस करेंगे 12 mm और माइनस करेंगे 12 mm कोष्ठक क्लोज प्लस करेंगे पेडेस्टल कॉलम की हाइट 1700 mm प्लस करेंगे 300 mm प्लिंथ बीम की हाइट प्लस करेंगे ग्राउंड फ्लोर की हाइट जो कि 3000 mm प्लस करेंगे 300 स्लैब बीम एंड स्लैब की थिकनेस प्लस करेंगे पैरापिट वॉल 500 माइनस करेंगे बैंड डिडक्शन 2 × 12 इक्वल टू 6302 mm की लेंथ हमें लेनी होगी सरिया को कटवाने के लिए। इस प्रकार से आप बिना लैप की जाने वाली सरिया की लेंथ निकाल सकते हैं कॉलम के लिए। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि कॉलम में लैप की जाने वाली सरिया की लेंथ किस प्रकार से निकाली जाएगी उसके लिए हमें सब्सक्राइब करें।